मिस्टर बच्चन बना धमाल मचाने को तैयार। साउथ के मास महाराजा फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल राज का अंदाज में। मिस्टर बच्चन फिल्म का नया शेड्यूल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज शुरू हो चुका है। फिल्म के सेट पर रवि तेजा शामिल हुए और उन्होंने शूटिंग शुरू की। साउथ के मास महाराजा रवि तेजा इन दिनों हरीश शंकर के निर्देशक में बन रही अपनी अगली फिल्म मिस्टर बच्चन की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म का नया शेड्यूल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज रविवार 24 मार्च को शुरू हो चुका है। फिल्म के सेट पर रवि तेजा शामिल हुए और उन्होंने शूटिंग शुरू की। वहीं अब फिल्म की शूटिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है और साथ ही इसकी रिलीज की तारीख को लेकर भी नई चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। मिस्टर बच्चन की टीम फिल्म ने नए शेड्यूल को जल्द से जल्द खत्म करने के विचार में निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग को जून तक पूरा करने की योजना है। वहीं निर्माता मिस्टर बच्चन को इस साल जुलाई में रिलीज करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। लखनऊ में शुरू हुई शूटिंग का लक्ष्य इस अवधि के दौरान फिल्म का आधा हिस्सा पूरा करना है। इससे पहले रवि तेजा संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियों के दौरान अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए शूटिंग से छोटा ब्रेक लिया था। तो दोस्तों, इस फिल्म की जितनी भी शूटिंग हो चुकी है उसको लेकर एक टीजर बनाया गया है जो आपके सामने पेश है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये फिल्म किस फिल्म का रीमेक है। ब्रेक के बाद अब रवि तेजा शूटिंग सेट पर वापस आ चुके हैं। रवि बात कर रहे हैं फिल्म की तो मिस्टर बच्चन को अजय देवगन की लोकप्रिय हिंदी फिल्म रेड का आधिकारिक रीमेक माना जा रहा है। फिल्म में रवि तेजा में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नजर आएंगे जिसमें एक सामाजिक संदेश भी है। वहीं भाग्यश्री बोरसे इस थ्रिलर फिल्म में रवि के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, फिल्म में अभिनेता का लुक कैसा है ये जरूर जान लें आप लोग। वहीं फिल्म में अभिनेता के अवतार को लेकर भी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के नाम की तरह ही रवि का लुक होगा, यानी कि फिल्म में रवि तेजा का लुक बॉलीवुड के बिग बी से प्रेरित है और इसमें अमिताभ बच्चन के जीवन के युवा दिनों का लुक दिखाया जाएगा। वहीं बात करें रवि के वर्क फ्रंट की तो अभिनेता को आखिरी बार एक्शन से भरपूर थ्रिलर ईगल में एक क्रूर हत्यारे की भूमिका में देखा गया था। वहीं अब फैंस बेसब्री से मिस्टर बच्चन से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के जो टीजर को जो पेश करा है, तो दोस्तों ये टीजर आपको कैसा लगा तो अब मैं बताता हूँ मिस्टर बच्चन के बारे में। मिस्टर बच्चन से उम्मीद की जा रही है कि ये बेहतरीन फीचर होगी और अपने अनोखे व्यक्तित्व से दर्शकों को आकर्षित करेगी। अपने किरदार के सार को मूर्त रूप से देने की अभिनेता की क्षमता की प्रशंसा की गई है, जो दर्शकों के लिए एक मनमोहक सिनेमा अनुभव का संदेश देती है। पोस्टर में रवि तेजा स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका लुक टाइटल मिस्टर बच्चन से मिलता जुलता है, जो कि बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के बचपन से मिलता जुलता है। रीमेक में अपनी विशेषताएं के लिए जाने जाने वाले निर्देशक हरीश शंकर मिस्टर इंडिया के साथ एक और यादगार प्रोजेक्ट पेश करने के लिए तैयार है। बच्चन अभिनेता को शक्तिशाली भूमिकाओं में दिखाने की अपनी आदत के साथ शंकर का लक्ष्य एक बार फिर रवि तेजा को ठोस रूप से पेश करना है। प्रशंसकों में इसलिए भी उत्साह है कि क्योंकि ये फिल्म हिंदी ब्लॉकबस्टर रेड की आधिकारिक रीमेक है जिसमें अजय देवगन ने एक सरकारी अधिकारी की भूमिका निभाई थी। प्रशंसक शंकर के निर्देशक में एक अधिकारी रूप में रवि तेजा के अभिनय कौशल के एक नए आयाम को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रशंसक फिल्म की प्रगति और रिलीज पर आगे की अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में भाग्यश्री भोसरे की मुख्य भूमिका है, जो अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत कर रही हैं। रवि तेजा की आखिरी बार एक्शन थ्रिलर ईगल में देखा गया था, जो एक साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बॉलीवुड स्टोरी? अगर पसंद आती है तो आप इस
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी अपनी इस वीडियो को लाइक। मैं मिलूंगा ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।